मैं सौरभ जैन एसएमसी ग्लोबल से आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो स्टॉक। पहला स्टॉक जिस पे हम बात करेंगे वो है इक्का लैब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि फिनिश डोसेज बनाती है, साथ में एपीआईज भी बनाती है। जो कंपनी का जो कैपेक्स था FY 18 का तकरीबन 130 से 140 करोड़ था और FY 19 में भी कंपनी का माना जा कंपनी ऐसा मानती है कि जो उसका कैपेक्स प्लान रहेगा वो 130 से 140 करोड़ रहेगा। जो बिजनेस में जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो रेवेन्यू होता है उसमें 47% जो उसका रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। US में भी कंपनी ने एक कंपनी का एक्विजिशन किया जो कि हालांकि छोटी कंपनी है, $10 मिलियन का एक्विजिशन था, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए और जो छोटी APIs की मार्केट में जाने के लिए एक्विजिशन उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमने लास्ट दो तीन क्वार्टर में देखा कि जो मार्जिन है वो स्टेबिलाइज हो रहे हैं। कंपनी जो गाइडेंस दी है वो भी 17-18% मार्जिन की गाइडलाइन दी है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है वह जो फार्मास्यूटिकल की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि USFDA के जो कंपनी के 3 प्लांट्स पे जो उसको प्रॉब्लम्स आए थे उसके लिए कंपनी ने काफी अच्छे एक्शन लिए हैं और USFDA को दोबारा इनवाइट किया है ताकि वो दोबारा प्लांट्स की मॉनिटरिंग कर सके और चेकिंग कर सके। ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट दिख रही है, मार्जिन स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी 1-2 क्वार्टर से ग्रोथ आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक अच्छा लग रहा है। दूसरे स्टॉक की हम बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग। कंपनी फाइनेंस के क्षेत्र में है, हाउसिंग, रूरल और होलसेल फाइनेंसिंग में है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो कंपनी का इंप्रूवमेंट होते हुए देखा हमने। जो लोन ग्रोथ है उसमें भी तकरीबन डबल डिजिट का ग्रोथ आया, 23% से लोन बढ़े कंपनी के। जो फोकस्ड एरिया में जो कंपनी का है वहां पर जो उसका लोन है वो तकरीबन जो ओवरऑल लोन बुक का है वो 80% है और जो 20% जो डीफोकस्ड एरिया कंपनी ने अब कर लिया है उसमें तकरीबन 45% की डीग्रोथ देखने को मिली, जो तकरीबन 11,000 करोड़ का है। ओवरऑल दोनों ही स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफी अच्छे लग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं smctradeonline.com, वहाँ रिसर्च सेक्शन में जाके वीकली न्यूज़लेटर में 22 मई में आप इन दोनों स्टॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।